साथियों, मैं एक और अहम पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत के लिए सक्सेस और सर्विस, सफलता और सेवा एक दूसरे के पर्याय हैं। जन कल्याण से जग कल्याण, ये हमारी भावना है। इसलिए आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक संभावनाओं का नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम गति शक्ति मास्टर प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और ई मोबिलिटी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिशा दे रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा समर्पण असीम संभावनाओं को खोलेगा। मैं चाहता हूं कि गिफ्ट एफएफसी सस्टेनेबल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल डेट और इक्विटी कैपिटल का एक गेटवे बने। इसी तरह भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप फाइनेंसिंग, कार्बन ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी और आईपी राइट से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तक कई फाइनेंशियल इनोवेशंस की जरूरत है। आईएफएससीए को इस दिशा में काम करना चाहिए। आईएफएससीए को रेगुलेशन और ऑपरेशन कोस्ट को भी न केवल भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भी कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आईएफएससीए रेगुलेशन में लीडर बने, रूल ऑफ लॉ के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करे और दुनिया के लिए पसंदीदा आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के उभरे।